गाइस वेलकम बैक टू क्रेजी टीवी 24। वेल दोस्तों, सोशल मीडिया का जाना माना कपल खुशी और विवेक चौधरी, जिनके रिश्ते को लेकर के बड़ी खबरें सामने आ रही। ये चेहरा बहुत से लोगों को इंस्पायर करता था, ये चेहरा बहुत से लोगों के फेवरेट बन चुके थे दोनों, और दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे। तो लेकिन हम कह सकते हैं कि रील और रियल में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी एक्टर और एक्ट्रेस के रिश्तों को देखते हैं पर्दे पे, और रियल लाइफ में कुछ और ही होता है उनके बीच, वही सेम है आज की इन्फ्लुएंसर्स की कहानी। जी हाँ, जो इन्फ्लुएंसर 30 सेकंड 15 सेकंड की वीडियोज़ बनाते हैं और आप कहते हैं वेरी क्यूट, कितने प्यारे लग रहे हैं और कितने अच्छे कपल हैं, तो ऐसा नहीं होता। हर किसी के रिश्ते की एक अलग कहानी होती है जो पर्दे के पीछे होती है। वही पर्दा जो अब मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिखता है वो हर चीज़ सच नहीं होता है, इसके पीछे भी एक कहानी होती है। आपको बता दें, खुशी और विवेक जो कि बहुत सारी वीडियोस बनाते थे, लोगों को इंस्पायर करते थे, वो प्यारे कपल इस तरीके के लोग कमेंट करते थे, वो दोनों हैं 2 महीने अप्रैल से गायब। 24 अप्रैल के बाद से दोनों में से किसी ने भी वीडियोस अपलोड्स नहीं की हैं। खबरें तो यहाँ तक आना स्टार्ट हो गई हैं कि दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं, और यहाँ तक कि खुशी जो है वो अपने मायके रह रही हैं। विवेक के साथ उनका बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका है और इसका रीज़न बताया जा रहा है विवेक का अफेयर होना। तो ये चल रहा है सोशल मीडिया की कहानी कि आप स्क्रीन पर देखते हो वो कुछ और होता है, रियल लाइफ में कुछ और होता है। तो सिर्फ 15 सेकंड 30 सेकंड की वीडियो से जज मत करिए उनके रिश्तों को, आप अपने रिश्तों को संवारिए। ये है क्योंकि आजकल क्या होता है, लोग कंपटीशन के चक्कर में दूसरों के रिश्तों को देखते हैं कि वो कित कैसे कर रहे हैं, हम भी वैसे ही करेंगे। नहीं, अपने रिश्ते संभालो, अपने रिश्तों को संभालो, ये है मैं। तो इस तरह की खबरें आना स्टार्ट हो गई हैं, बहुत से लोगों का कहना है, इनफैक्ट उनके पड़ोसियों का कहना है कि खुशी और विवेक का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। खुशी ने उनको जो है किसी होटल में किसी लड़के के साथ पकड़ लिया था, जिसके बाद से खुशी अपने मायके गई थी। फिर उसके बाद विवेक के घर वालों ने, विवेक ने पूरी उनसे माफ़ी मांगी और घर लेकर आए खुशी को। एंड उसके बाद खुशी से सारा उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह था वो सारा ले लिया है उनसे, और अभी कोई अपडेट भी सामने नहीं आ रही, जिसकी वजह से और तो और ये तक पता चल रहा है कि उनके बच्चे को तक रख लिया गया है। जी हाँ, खुशी के बच्चे को तक उनके पास रख लिया गया है, विवेक ने रख लिया है। और ऐसे में खुशी ने जो है केस दायर किया है, क्योंकि जब खुशी वहाँ पर रही थी, मतलब विवेक के घर, उस दौरान उनके साथ एक अलग ही मैटर बनाया गया। मैटर ये बनाया गया कि खुशी का कहीं और चक्कर चल रहा है, अफेयर चल रहा है, वो भी किसी एक्टर के नाम के साथ जोड़ दिया गया। अब इन सब चीज़ों को लेकर दोनों के रिश्ते में एक बड़ी दरार आ चुकी है। जब तक चौधरी फैमिली या खुशी की तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन सामने नहीं आता, तब तक इन चीज़ों पर कन्फर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन मामला ज़्यादा गंभीर है। तभी फैमिली काफ़ी मंथ से गायब है, किसी के कोई ब्लॉग्स नहीं आ रहे, वीडियोस नहीं आ रहे, सब कुछ सोशल मीडिया से गायब है। अब तक कोई सामने अगर खुद नहीं बोलेगा तब तक कैसे जानेंगे। लेकिन बहुत सारी न्यूज़ पे ऐसी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। क्या लगता है आपको कि सोशल मीडिया की दुनिया भी जस्ट लाइक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ वाली जैसी कहानी बनती जा रही ना? सेम फील अगर हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर रखें।